एक सन की आशिक की हवानियत। एक तरफा प्यार की सबसे विभत्स घटना। इनकार पर लड़की पर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालकर लड़की को आग लगा दी। इंसानियत शर्मसार, सुलग रहा है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची से कोई पौने 200 किलोमीटर दूर दुमका की ये वारदात आपको दहला देगी। 12वीं क्लास की एक छात्रा के साथ उस शहर में हैवानियत हुई जिसको झारखंड की दूसरी राजधानी कहा जाता है। एक तरफा प्यार में कोई किस हद तक गिर सकता है, ये उसकी वानगी है। झारखंड में खुली लव जिहाद की ये फाइल डरावनी है, सोचने पर मजबूर करती है। लड़की को जिंदा जलाने वाले आरोपी की शर्मनाक हंसी आपको दिखाएं, उससे पहले ये पूरी घटना जान लीजिए। दुमका के जरुवा डी मोहल्ले की अंकिता सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। झारखंड की इस बेटी ने पूरे 5 दिन तक पूरी हिम्मत के साथ मौत से जंग लड़ी, लेकिन रांची के रिम्स में आखिर वो जिंदगी की जंग हार गई। दुमका की बेटी अंकिता अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी है। लोगों की आंखें नम हैं क्योंकि इस बेटी को इतनी नन्हे उम्र में इस सफर पर नहीं निकलना था। और ये दुमका में अंकिता का टूटा फूटा घर है जहां पर वो विभत्स और खौफनाक हमले का शिकार हुई। 23 अगस्त की अल सुबह उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। शाहरुख नाम के इस सन की आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया। 12वीं की छात्रा अंकिता स्कूल के रास्ते में शाहरुख से मिली थी। जान पहचान को ये सन की आशिक गलत समझ बैठा। एक तरफा प्यार में उसने अंकिता को प्रपोज किया और इनकार करने पर 23 अगस्त को सुबह 4 बजे अंकिता के घर पेट्रोल की बोतल लेकर जा धमका। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। शाहरुख ने अंकिता पर खिड़की के जरिए पेट्रोल छिड़का और तीली डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी अंकिता को देखकर चीख पुकार मच गई और तब तक शाहरुख अपने साथी के साथ फरार हो गया। सुनिए अंकिता की जुबानी वो खौफनाक वारदात। अंकिता की माँ की मौत हो चुकी थी। घर में बुजुर्ग दादा दादी और छोटी बहन है। अंकिता परिवार का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन एक सन की आशिक ने सपनों को धूल में मिला दिया और उसको दर्दनाक मौत दे दी। अब जरा इस शख्स को देखिए, इसका नाम शाहरुख है। यही अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोपी है। पुलिस की हिरासत में है, जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इसके चेहरे पर शर्मनाक हंसी है। ऐसा लगता है इसको अपनी उस हैवानियत को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ऐसा लगता है उसने सोच समझकर ही इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के सामने अब चुनौती शाहरुख को इस दरिंदगी की सजा दिलाना है, वो भी जल्दी से जल्दी। पुलिस भरोसा जता रही है कि चंद दिनों में चार्जशीट हो जाएगी। कोर्ट से भी गुजारिश की गई है कि फास्ट ट्रैक तरीके से मामले की सुनवाई हो। झारखंड की बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, लेकिन पीछे छोड़ गई है सवाल कि क्या उसको इंसाफ मिलेगा।